मधेपुरा जिले के बिहारीगंज में जेडीयू नेता प्रदीप साह हत्या मामला अब राजनीतिक रंग लेने लगा है, क्योंकि आज जाप सुप्रीमो मधेपुरा के बिहारीगंज के हाथी योद्धा पहुंचे और उन्होंने मृतक के परिजनों से मिलकर सांत्वना दी और मदद का भरोसा भी दिलाया। इस दौरान पप्पू यादव ने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बिहार में सिस्टम को पूरी तरीके से अपराधी और माफिया चला रहे हैं। इन अपराधियों को पुलिसिंग व्यवस्था से भय नहीं है, लगातार आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। ये भी कहा कि बिहार सरकार में सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो चुका है। स्पीकर कहते हैं कि हमारी कोई सुनता नहीं है, तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि मेरी कोई सुनता नहीं है। पप्पू यादव ने कहा कि हम हत्या मामले की जाँच SIT से करवाने की मांग करते हैं और तुरंत मृतक के परिजनों को 20 लाख मुआवजे की राशि देने की भी मांग करते हैं। मैं जानता हूं कि प्रदीप जी की हत्या में कंप्लीट पॉलिटिकल कोनाइविंस है। हत्या की साजिश 3-4 आदमी मिलकर रचा और उस घटना को अंजाम दिया। ना तो कोई व्यक्तिगत दुश्मनी इनसे कुछ है। SP से और CM हाउस से मैं बातचीत कर लिया रात में। CM यहाँ नहीं है, CM दिल्ली में है, लेकिन उनको मैंने जानकारी दे दी और उन्हें उनके यहाँ CM के यहाँ मैंने बता दिया है कि इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व। वहीं मधेपुरा उत्पाद टीम लगातार जिले में छापेमारी कर रही है। टीम ने आज जिले के मुरलीगंज थाना क्षेत्र के जोरगामा में कई देशी शराब बनाने वाले कारखाने को ध्वस्त किया है और 2 कारोबारी के खिलाफ केस भी दर्ज किया है। आपको बताएं कि मद्य निषेध मधेपुरा और मुरलीगंज थाने की पुलिस ने संयुक्त रूप से जोरगामा वार्ड नंबर 2 में छापेमारी कर 25 लीटर शराब बरामद की है और इसके साथ ही शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाली 2170 लीटर जावा पास और गुड़ घोल बरामद किया है। पुलिस ने इन सभी सामानों को मौके पर ही नष्ट कर दिया। खबर बघा से है, जहां पद्मश्री डॉक्टर कमलाकर त्रिपाठी बघा के नरईपुर पहुंचे। इस दौरान नागरिक अभिनंदन समारोह में लोगों ने डॉक्टर कमलाकर त्रिपाठी का जोरदार स्वागत किया। बताया जा रहा है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के डॉक्टर के त्रिपाठी को हाल ही में बेहतर चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में पद्मश्री से नवाजा गया है, जिसके बाद डॉक्टर त्रिपाठी जब महात्मा गांधी की कर्मभूमि और महर्षि वाल्मीकि के तपोभूमि पहुंचे तो वहां पर सभी ने उनका स्वागत किया। यही धरती वारिणी है, यही धरती अभिनंदन के योग्य है। ये बड़ी तपस्वियों की धरती है, महर्षि वाल्मीकि की धरती है और यहाँ के पूर्वज, यहाँ के लोग, सीधे साधे लोग, देश के प्रति समर्पित लोग, ये उन सारे लोगों का अभिनंदन है जिनकी कृपा से हमें कुछ भी जो प्राप्त हुआ यह उनकी तपस्या है। यह तो वो सब उन सब लोगों को प्राप्त होना चाहिए जो यहाँ के निवासी हैं, जो हमारे रोगी हैं और जो इस परिवार के मिश्र परिवार के लोग हैं जिनके कारण मैं इस योग्य बना, अन्यथा मैं तो इस योग्य था भी नहीं। यह उनकी कृपा है हमारे ऊपर, हमें इस योग्य पाया, हमारा वरण किया, हमें यहाँ स्थान दिया, हमारी संतज परंपरा का विकास किया और यह सब लोग हमारे, हम उनके प्रति अनुग्रहित हैं। मधेपुरा जिले कुमारखंड थाना क्षेत्र के रामगंज में एक शादी समारोह में हुई हर्ष फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया गया है कि इलाज के दौरान ऑपरेशन के बाद जब मरीज की मौत हुई तो उसके बाद पीड़ित परिजन आक्रोशित हो गए और अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ कर दी। इस दौरान लोगों ने डॉक्टर्स के गाड़ी समेत बाकी सामान भी तोड़ दिया। 1 घंटे तक चले हंगामे के बाद किसी तरीके से 3 थाने की पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिले के सदर अस्पताल भिजवाया। घटना के बारे में बताया गया है कि बुधवार के रहने वाले प्रवीण कुमार की शादी शुक्रवार की रात को एक गांव में तय हुई थी और इसी शादी में विलास यादव नाम के एक शख्स जो कि अपने कुछ साथियों के साथ आया था, इसी दौरान विलास डांस करते हुए बाराती के बीच पहुंचा और वहां पर हर्ष फायरिंग कर दी, जिससे व्यक्ति घायल हो गया। अस्पताल उसको भेजा गया लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई और उसके बाद परिजनों का हंगामा भी देखने को मिला। और खबर दरभंगा से है, जहां 3 लोगों को जिंदा जलाने का मुख्य आरोपी शिव कुमार झा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
आरोपी की गिरफ्तारी कई दिनों बाद मधुबनी जिले से हुई है। आपको बता दें कि बीते 10 फरवरी को नगर थाना क्षेत्र में मकान पर जबरदस्ती कब्जा करने के लिए भूमाफियाओं ने परिवार के 3 लोगों को जिंदा जलाने की कोशिश की थी, जिसमें मुख्य आरोपी शिव कुमार झा है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 10 तारीख की घटना है, ये जीएम रोड जो घटना घटी थी, निक्की झा के की बहन और भाई जिनकी मृत्यु हो गई पीएमसीएच में इलाज के क्रम में, उसमें एक नामजद अभियुक्त और 40 अज्ञात थे। एक नामजद अभियुक्त शिव कुमार झा की बीती रात्रि गिरफ्तारी मधुबनी जिला अंतर्गत सहार घाट के पास गांव बाजार है, वहां पे गिरफ्तारी हुई है। और इसमें हम लोगों की टीम कई दिनों से वहां पे कैंप कर रही थी और इनके लोकेशंस पे काम कर रही थी। ये जब से घटना घटी थी उसके बाद से ही अगले दिन से नेपाल चले गए थे और नेपाल में विभिन्न जगहों पे इनका भ्रमण रहता था, लेकिन ये बीच बीच में सीमावर्ती चूँकि इनका घर भी रहा है इसलिए इनका आना जाना रहता था। और उसी चीज़ का हम लोगों ने लोकेशन का इनका ट्रेस किया और अंतोगत्वा कल हम लोगों को सफलता मिली और इनकी गिरफ्तारी हुई। खबर गोपालगंज से है, जहां जिले के पिपरा मुजौना गांव में एक 25 साल के युवक की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई। वहीं बदमाशों ने सबूत मिटाने के लिए शव को नदी किनारे फेंक दिया। नदी किनारे गए लोगों ने जब शव को देखा तो ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। ग्रामीणों के द्वारा शव की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और थानाध्यक्ष ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि अभी तक मृतक युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। कैमूर जिले के पंडित दीनदयाल गया रेलखंड पर एक शख्स की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का बताया जा रहा है। व्यक्ति अपने मुबारकपुर गांव में अपनी बहन के यहां जा रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दी और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सूचना मिली थी कि ये साइकिल से गुजर रहे थे, इसी समय अज्ञात किसी ट्रेन से इनका झटका लगा, जख्म खाकर मृत्यु हो गई। उनका नाम है शेषनाथ शर्मा, उम्र है करीब 78 वर्ष, पिता स्वर्गीय मुन्नीलाल शर्मा, ग्राम टोंगा, पोस्ट डेढ़गामा, थाना रेतपीपुर, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और खबर बगहा से है, जहां 1000 एकड़ क्षेत्र में टेक्सटाइल मेगा पार्क का निर्माण कराया जाएगा। टेक्सटाइल मेगा पार्क का निर्माण हो जाने के बाद रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, जिससे जिले की आर्थिक हालात सुधरेगी। मेगा पार्क के लिए जमीन बगहा, मधुबनी और भितहा अंचल में चिन्हित कर ली गई है। इसके लिए जिलाधिकारी ने जमीन की तलाश के लिए कई क्षेत्रों का भ्रमण भी किया और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। और अब बात करेंगे इस समय के चर्चित विवाद की, जो कि यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा है। यूक्रेन रूस विवाद के चलते दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की आशंका अब बढ़ती जा रही है। तमाम देश दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कराने में जुटे हैं और इसी बीच भारत ने भी अपना रुख स्पष्ट किया है और रूस की सराहना की है। भारत और रूस के बीच वर्षों पुराने रिश्ते हैं, हालांकि भारत इस संकट का समाधान बातचीत से सुलझाने पर जोर दे रहा है। इस पर रिपोर्ट देखिए आप। यूक्रेन रूस विवाद के चलते दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की आशंका बढ़ती जा रही है। तमाम देश दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कराने में जुटे हैं। इसी बीच भारत ने भी अपना रुख स्पष्ट किया है और रूस की सराहना की है। भारत और रूस के बीच वर्षों पुराने रिश्ते हैं, हालांकि भारत इस संकट का समाधान बातचीत से सुलझाने पर जोर दे रहा है। बता दें कि यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में एक स्कूल पर बमबारी की गई थी। यूक्रेन ने रूस समर्थक विद्रोहियों पर यह इल्जाम लगाया है।
वहीं रूसी मीडिया ने अलगाववादियों के नेता लियोनिद पासेचनिक के हवाले से कहा है कि ये यूक्रेनी आर्म्ड फोर्सेज ने लुहानसक क्षेत्र में हमला किया है। इन हमलों के बाद तनाव और बढ़ गया है। वहीं शुक्रवार को भी पूर्वी यूक्रेन में विद्रोहियों के कब्जे वाले एक प्रमुख शहर से गुजरने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय तेल पाइपलाइन में शुक्रवार को विस्फोट हो गया। इसका आरोप भी रूस पर लगाया गया है। वहीं अगर भारत के रुख की बात की जाए तो रूस ने यूक्रेन संकट पर भारत के संतुलित और स्वतंत्र रुख की सराहना की है। नाटो के सदस्य देशों और रूस के बीच तनाव बढ़ने के मद्देनजर भारत के रुख पर रूस का ये बयान आया है। बता दें कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में शांत एवं संरचनात्मक कूटनीति पर जोर दिया था। भारत का कहना है कि तनाव बढ़ाने वाले कदम उठाने से बचना चाहिए। यूक्रेन संकट पर गुरुवार को हुई इस बैठक में संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति ने तनाव घटाने की अपील की थी। इधर दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत कूटनीतिक वार्ता से संकट का समाधान निकालने का समर्थक रहा है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चेतावनी दी है कि रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। नाटो सहयोगी देशों ने रूस के इस दावे को खारिज किया है जिसमें उसने कहा है कि वो यूक्रेन की सीमा से सैनिकों को हटा रहा है। रूस ने यूक्रेन से लगती सीमा पर करीब 1.5 लाख सैनिक जुटा रखे हैं। अनुमान है कि रूस के कुल जमीनी सैनिकों के 60% सैनिक यूक्रेन सीमा पर आ चुके हैं।